हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फोरलेन हाईवे पर देर रात को वाहनों पर पथराव, वीर बावसी मंदिर के सामने आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर पथराव। पथराव का शिकार हुए ट्रक चालक ने रोका वाहन, अन्य वाहन चालकों ने दिया साथ। हाईवे पर दोनों तरफ लगी वाहनों की कतारें, वाहन चालकों ने चार युवकों की घेराबंदी, एक युवक भागने में हुआ सफल। युवकों व ट्रक चालकों में हुआ विवाद, करीब 7 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतारें। मौके पर पहुंची शहर पुलिस ने चारों युवकों को लिया अपने संरक्षण में। चालकों में आए दिन हो रहे पथराव पर जताई नाराजगी, चारों युवकों को ले जाया गया शहर कोतवाली। फोर लेन हाईवे पर गेल इंडिया के पास स्थित वीर बावसी मंदिर के सामने कल मध्य रात्रि को वाहनों पर अचानक पथराव शुरू हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। ट्रक, कार, ट्रेलर्स, बस समेत आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर पथराव किया गया, जिससे वाहनों के कांच टूट गए। पथराव में ट्रैवलर्स बस में सवार महिला घायल हो गई। पथराव का शिकार हुए एक ट्रक चालक ने ट्रक को फोर लेन पर ही रोक दिया। इस दौरान वहां पहुंचे अन्य लोगों व वाहन चालकों को पथराव की जानकारी दी। नतीजतन अन्य वाहन चालकों ने भी उसका साथ देते हुए वाहन खड़े कर दिए, जिससे फोर लेन पर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। इस दौरान मौके पर मौजूद 5 युवकों की घेराबंदी कर दी। ट्रक चालकों ने युवकों पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए घेर लिया। दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची शहर पुलिस ने चारों युवकों को छुड़वाया। इस दौरान एक युवक भागने में सफल हो गया। चारों युवकों को शहर कोतवाली ले जाया गया। हंगामे के चलते करीब 1.5 घंटे तक हाईवे पर यातायात अवरुद्ध रहा। फोर लेन हाईवे पर गेल इंडिया के पास वीर बावजी मंदिर के सामने मध्य रात्रि को पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार जारी है। यही सिलसिला कल मध्य रात्रि को भी जारी रहा। फोर लेन से गुजर रहे वाहनों पर अचानक पथराव शुरू हो गया। आधा दर्जन वाहन पथराव का शिकार हुए, वाहनों के कांच टूट गए। वहीं एक निजी ट्रैवलर्स में यात्रा कर रही महिला घायल हो गई। इस दौरान लुनियापुर से अहमदाबाद जा रहा ट्रक मौके पर पहुंचा। पथराव कर रहे लोगों ने ट्रक पर भी पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रक का कांच टूट गया। आक्रोशित चालक नदीम मोहम्मद ने ट्रक में खड़ा कर दिया। इस दौरान अन्य वाहन भी वहां पहुंच गए। ट्रक चालक ने पूरे मामले की जानकारी वाहन चालकों को की। अन्य वाहन चालकों ने भी उसका साथ दिया। फोर लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आसपास के अन्य लोग भी पथराव की सूचना पर मौके पर पहुंच गए। लोगों ने 5 युवकों को घेर लिया, उन पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए घेराबंदी कर दी। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके चलते हाईवे पर करीब 7 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलने पर शहर थाने के उप निरीक्षक गनी मोहम्मद में जाप्ता मौके पर पहुंचे, युवकों को उनसे छुड़वाया। इसी दौरान एक युवक भागने में सफल रहा। पुलिस चारों युवकों को लेकर शहर थाने पहुंची। वहीं युवकों की बोलेरो कैंपर की जांच की। वाहन में शराब की बोतलें पाई गयी। वाहन को शराब कोतवाली ले जाया गया। इस दौरान वाहन चालकों ने आए दिन वीर बावजी मंदिर के सामने पथराव की घटनाएं होने पर रोष का इजहार किया। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार पथराव करने के मामले में पकड़े गए चारों युवक आबू रोड के हैं। इसमें एक युवक नगर पालिका में कार्यरत है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नदीम मोहम्मद, ट्रक चालक, इन्होंने ये कहा, मेरी गाड़ी में वजन 10 टन भरा हुआ था। मेरी गाड़ी के अंदर पत्थर लगा, उससे पहले 3 गाड़ियों के पत्थर और लगा, एक बस की लेडीज के अंदर उसका इतना हाथ कटा। वो बेचारा बस वाला दौड़ा के क्या पता हॉस्पिटल लेके गया कि उसके हाथ में पट्टी बांधी, ये पता नहीं। जागरूक टीवी की अबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।